यूक्रेन से जारी जंग के बीच राष्ट्रपति पुतिन के समर्थन के लिए रूस की राजधानी मॉस्को में जेड निशान को कई जगहों पर दिखाया गया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें एक शॉपिंग मॉल के बाहर बड़ा जेड का निशान दिखाई दिया। यही नहीं, कुछ छोटी दुकानों के बाहर भी जेड निशान बना नजर आया। इसके अलावा दीवारों पर कुछ पेंटिंग भी दिखी जो रूसी सैनिकों के समर्थन में बनाई गई थी। वहीं रात में भी बिल्डिंगों के बाहर जेड के निशान जगमगाते दिखाई दिए। रूस की सेना जंग के शुरुआत से जेड निशान का इस्तेमाल अपने टैंकों, ट्रकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर करती रही है। ऐसे में मॉस्को में जेड निशान बनाकर ये संदेश देने की कोशिश की गई कि वहां के लोग अपने सैनिकों के साथ है। वहीं यूक्रेन ने दावा किया कि उसने खार्किव के पास आसमान में उड़ते रूस के एक विमान को निशाना बना लिया, जिस पर मिसाइल हमला होते ही वो ढेर हो गया। और इसके सबूत के तौर पर उसने एक वीडियो जारी किया। बताया गया कि इसे वहां मौजूद लोगों ने तब बनाया जब उन्हें आसमान में रूसी विमान पर हुए हमले की आहट मिली। वीडियो में आसमान से जमीन की तरफ आती एक काले रंग की लकीर दिखी, जो असल में रूस के विमान से निकलता धुआं था। इसके बाद वो जमीन पर जा गिरा और वहां से काले धुएं का गुबार उड़ता दिखा। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस का SU-35 फाइटर जेट था, जिसे यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम का शिकार होना पड़ा। इसके साथ ही यूक्रेन के रक्षा विभाग की तरफ से रूसी विमान के मलबे की कुछ तस्वीरें भी जारी की गई, जिसमें लड़ाकू विमान पूरी तरह तहस नहस नजर आया।